सूरत सुख शांति और समृद्धि के क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाला सूरत शहर हाल ही में 24 जनवरी 2020 को स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत बेस्ट सिटी परफॉर्मेंस का खिताब हासिल हुआ। सूरत शहर को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य के साथ कार्यरत सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज शहर के हर नागरिकों की लाइफ आसान बनाने में कामयाबी हासिल की है और यही लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का भी रहा है। भारत जैसे देश में अल्टीमेट गोल होना चाहिए ईज ऑफ लिविंग। भारत सरकार ने 2018 में शहर में रहने वाले नागरिकों को सरकार से मिल रही सुविधाओं से उनका जीवन कितना आसान हुआ है उनके लिए शहरों का आकलन कर पहली बार भारत के शहरों के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के रेटिंग जारी किए थे और इस बार भी 1 फरवरी से 29 फरवरी 2020 तक भारत के 114 बड़े शहरों में इसका आकलन होने वाला है जिसमें नागरिकों का फीडबैक बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया में सूरत शहर से जुड़े संस्थागत आर्थिक सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े 15 पैरामीटर्स पर 24 प्रश्नों पे सूरत शहर के नागरिकों द्वारा फीडबैक दिए जाएंगे जिसके लिए शहर के नागरिक www.eol2019.org पोर्टल पर जाकर सिटीजन फीडबैक के सेक्शन में पूछे गए 1 से 24 प्रश्नों पे अभिप्राय देना होगा। सरकार द्वारा उपलब्ध हो रही सुविधा को नागरिक के द्वारा दिए गए फीडबैक से 15 पैरामीटर्स पे पॉइंट्स प्राप्त होंगे और उसके तहत सूरत शहर का भारत के 114 शहरों में से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का रेटिंग जारी होगा। नमस्कार मित्रों, मारा साथी सूरती परिवारजनों, मारे आपने बात करनी छे एक एवा सर्वे नी जे हालना समय में प्रवर्तमान छे एनु नाम छे ईज ऑफ लिविंग। मारे आपने सूरत वती विनंती करनी छे के बीजा कोई पण शहर करता सूरत शहर में जीवन आपने खूब सरल लगत हो तो आप एज बात ऑनलाइन सर्वे द्वारा पण कहवी जो तमारे एनी साइट ओपन करवानी छे जेनु नाम छे www.eol2019.org/citizen-feedback। આટલું કરશો એટલે એમાં 24 જેટલા તદ્દન સરળ નાનકડા પ્રશ્નો ખુલશે। એમાં તમારે માત્ર ટિક માર્ક કરવાનું છે, લખવાનું કશું જ નથી। એટલું કરીને તમે જો સબમિટ કરાવી દેશો તો આપનો મત રજીસ્ટર થઈ જશે। આપનો વોટ કર્યો છે એ બીજાને જણાવશો, ખૂબ મોટી અપેક્ષા છે આપની પાસે। વંદે માતરમ ભારત માતા। અત્યારે ટાઈમ છે આપણે સુરતને એક લિવેબલ સિટી બનાવવા માટે, એટલા માટે કે સુરતને વોટર સપ્લાય હોય, એજ્યુકેશન હોય, બીજા ગ્રીનરી હોય કે સ્વચ્છતા હોય, અન્ય કોઈ પણ બાબત હોય, એમાં સુરત બધા ફેક્ટર્સમાં કેવી રીતે આગળ આવી શકે એના માટે અત્યારે એક ઇઝ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સનું એક કોમ્પિટિશન ચાલી રહ્યું છે આખા ભારતના તમામ સ્માર્ટ સિટીઝના અંદર। એમાં ખાસ કરીને આપને એક પ્રતિભાવ આપવાનું છે જે 24 પ્રશ્નના હોય છે, એટલા માટે આપને 3 પ્રકારનું આપ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને આપના સુરત સિટીને મદદ કરી શકશો। એક કે ઇઝ ઓફ લિવિંગ 2019.org/citizen-feedback આપનો પ્રતિભાવ 24 પ્રશ્નોના આપી શકશો। ચાલો આપણે બધા મળીએ, સાથે થઈને સુરતને આખા ભારતમાં સ્માર્ટ સિટીઝના હરોળમાં નંબર 1 બનાવીએ। મેરા સુરત શહેર મેરા અભિમાન।